यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्योंकि ये भारत में लागू होने वाला। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जब भारत में ये लागू होगा तो भारत में क्या बदलाव होगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस संविधान से लाया गया, ये भारत में था या फिर किसी अन्य देश के संविधान से लाया गया। आज की वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, एक्चुअली में ये लागू होगा तो भारत में क्या बदलाव होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में क्या कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में एक समान नागरिक संहिता कहा जाता है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में एक समान नागरिक संहिता कहा जाता है। सामाजिक मसलों से संबंधित एक कानून होता है। ये कानून किसी भी पंथ या मजहब के लोगों के लिए सामान्य होता है, जैसे शादी, तलाक, विरासत, इस सब में समान रूप से लागू होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, वहाँ अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होता है। सब जाति या धर्म एक समान से लागू होता है, यानी सभी जाति पर या धर्मों पर एक समान से लागू होता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जिक्र किया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का पहली बार जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मसलों पर समान कानून लागू होना चाहिए। दोस्तों, ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये भारत में लागू हो गया तो सभी के लिए सामान्य रूप से लागू होगा। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ब्रिटिश में पहली बार जिक्र हुआ था।